मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, मंत्रियों और अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी की है। आपको बता दें कि इस घोटाले को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सावंत के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को प्रदेश में हुए नर्सिंग और पेपर लीक घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के सहकारिता खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील शर्मा का कहना है कि घोटाले में मंत्री का नाम आने के बाद भी उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस नर्सिंग घोटाले और नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कांग्रेस समय समय पर विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नैतिकता के आधार पर आज ज्ञापन दिया है। और हमारी ये मांग है कि युवाओं के भविष्य के साथ ये भाजपा शासन खिलवाड़ करना बंद करे। आज युवा दिन रात मेहनत करता, कठिन परिश्रम करते हैं कि हमारे भविष्य का अच्छा निर्माण होगा। उनके माता पिता पेट काट काट के एक एक रुपया जोड़कर अपने बच्चों की फीसें भरते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। और आज उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। ज्ञापन ले लिया है? बिल्कुल ले लिया।